अब इस सिचुएशन से पुल आउट करके जोन के अंदर मूव करेगी। जोन के अंदर मूव करने के बाद आई गेस इनका स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि अब गेट कीप करना चालू करें, क्योंकि इन्हें पता है सेल्स कहां से आने वाली है। उसी टाइम यहाँ पे सोल अमन ने टीएसएम एंटिटी जोनाथन को नॉकडाउन कर दिया कार बर्स्ट डाउन के द्वारा, बट वहां पे टीएसएम एंटिटी 13th प्लेस पे फिनिश होती हुई। यहाँ पे स्ट्राइडर ने भी एक और नॉक निकाला, सीर भी यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए ट्रेड में, बट फिलहाल सेल्स का स्क्वाड इनको जोन में जाना पड़ेगा, वाला वेयर हाउस छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। सेम गोज विद टीम सोल एज वेल, हालांकि वहां पे ब्रोकन वॉल जहां पे मॉर्टल बैठे हुए वो जोन में है, बट फिलहाल पीछे से देखने के बैक स्टेप वेरी इजिली वो यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे रॉक्स ने नॉकडाउन करा है सोल रेगल टॉस को, क्या यहाँ पे जो सोल के पास जगह है वहां पे सेल्स आ सकती है कि नहीं। बट वहां पे नोवा किंग अपनी M24 के साथ वाले मैच में आगे बढ़ते हुए गुरका वाईटी सामने से पूरा फिनिश होते हुए, यहां पे नोवा ने पूरा फिनिश करा SK49 को। सोल अमन देखते हैं यहां पे किस तरीके का पुश यहां पे अब्सॉर्ब करते हैं, बिकॉज़ सेल्स यहां पे आ चुके हैं। कल ये क्या रिवेंज यहां पे ले सकती है टीम सोल, कल यहां पे सेल्स ने विकेंडी वाले मैप पे वन साइडेडली सोल को पछाड़ा था। अब यहां पे एक बदले की घड़ी है जहां पे टीम सोल के चारों प्लेयर जिंदा है, मौका है दस्तूर है। सेम गोज विद सेल्स, दे कैन गो 2-0 अप एंड यहां पे वापस स्मोक बॉल देखो कितने बनाए गए हैं पूरी टीम के द्वारा। बट आइकॉनिक ने मिनी 14 का सेल्स के एमजे को नॉकडाउन करा है। 2-2 के स्प्लिट में यहां पे टीम सोल खड़ी हुई है इस लॉन्ग रेंज कंपाउंड में। अगर आप यहां पे मॉर्टल की बात करो, रिगल टॉस की बात करो, दे कैन गेट अ इजी नॉक ओवर देयर, बट यहां पे ऊपर से हमें क्या देखने को मिलता है, सीरवी M16A4 से यहां पे आतंकी को सिंगल टैप डाल रहे हैं, बट एक ग्रेनेड यहां पे देखने को मिला है। एमजे यहां पे नॉकडाउन हुए, क्या यहां पे अमन एक और नॉक निकाल पाएंगे, वापस आएंगे रिलोड करेंगे, हालांकि अभी एक नॉक ऑलरेडी है यहां पे। ओके एक और यहां पे नॉक देखने को मिला, आतंकी को नॉकडाउन करा विद दैट M762, बट यहां पे सोल वाइपर बाहर आए हैं और स्मोक बॉल में लिटरली उन प्लेयर्स को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बट यहां पे अमन नॉकडाउन हुए, दे कैन गेट थर्ड पार्टी ऊपर से। सेल्स रॉक ने यहां पे फिनिश करा ब्रोकन वॉल में एंड यहां पे फाइनली सेल्स यहां पे निकलते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रिन ऊपर से M16A4 चला रहे हैं। सोल ने अपना रहेंगे जो कि सर्वाइवल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सर्वाइवल पॉइंट्स वहां पे लेंगे, बट अभी वीएसजी क्रॉलर्स थर्ड पार्टी कर रहे हैं यहां पे राइट साइड से, और काजी ने उसी टाइप पे सोल मॉर्टल को नॉकडाउन कर दिया है। टीम एक्सट्रीम यहां पे वापस से गेम में आते हुए, सोल यहां पे जो टू मैन स्क्वाड थी वाइपर भी यहां पे फिनिश हो जाएंगे, टीम सोल हैज बीन एलिमिनेटेड। और यहां पे स्ट्राइडर डोमिनेशन में, वीएसजी क्रॉलर्स इस वाले मैच में आगे बढ़ती हुई, गॉडल के हस्तर अपर ग्राउंड में अभी बैठे हुए राइट साइड वाले शेक पे, गॉडल गिल प्रोन्ड है टीपीपी लेके, एक नॉक इनिशियली निकाल के पुश करने की कोशिश करें, बिकॉज थ्री मैन स्क्वाड वर्सेस थ्री मैन स्क्वाड यहां पे देखने को मिलेगा। बट एक मोलोटोव आया वहां पे, बट ईवो को नॉकडाउन कर दिया है। हस्तर ने यहां पे एक ग्रीन लाइट दिखा दिया है कि गॉडल के प्लेयर्स को आओ यहां पे ब्रश करते हैं, ऊपर से सीजी को भी नॉकडाउन कर दिया है। इट इज वन प्लेयर लेफ्ट फॉर वीएसजी क्रॉलर्स एंड एचबी द लास्ट में स्टार्टिंग अप, वापस से उठेंगे यहां पे फाइनली 1-3 करते हुए गॉडल के हस्तर, तीन किल यहां पे उन्होंने निकाले, डोमिनेशन आता हुआ गॉडल हस्तर के द्वारा, जान मारा आखिरी यहां पे स्क्वाड बचा हुआ है, किल कंफर्म करा गनर द लास्ट में स्टैंडिंग ओवर देयर, गनर बने भी बचे बट पीछे से कवर फायर आएगा, गॉडल took that winner chicken